नमस्कार, मैं रविंदर चंदेल। आज हमारे बीच सेवा साधना से राजनीति के शिखरों की ओर अग्रसर विधायक राजेंद्र राणा मौजूद हैं। राजेंद्र राणा अपनी सेवा साधना के लिए समूचे प्रदेश में जाने जाते हैं। राजेंद्र राणा राजनीति और सेवा साधना के क्षेत्र में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं रूबरू कराऊंगा आपको राणा जी से। नमस्कार जी। आज राणा जी कुछ सवाल करेंगे, प्रदेश की राजनीति को लेकर कुछ सवाल करेंगे, कुछ राणा जी से जो सेवा साधना है उनकी उसको लेकर कुछ सवाल करेंगे। तो राणा जी, आज आप जिस राजनीतिक मुकाम पर मौजूद हैं, माना जाता है कि सेवा साधना आपका जो था वो एक प्राइमरी जो आपका एक काम था वो सेवा साधना था, और सेवा साधना से आप राजनीति के शिखरों की ओर अग्रसर हैं। आपको आज एक हिमाचल की राजनीति में आपको एक दिग्गज के रूप में देखा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि मैं आज राजनीति में सामाजिक सेवा की वजह से, और जिम्मेवारी बनती है कि हम लोग एक विपक्ष की भूमिका को सही तरीके से निभाएं, और हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं विपक्ष में रह के, ये हमारा धर्म भी है और हमारा कर्म भी है। राजनीतिक हलकों में एक चर्चा है कि हिमाचल प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार बनी है, प्रचंड बहुमत से बनी हुई सरकार को मुख्यमंत्री बनाने में विपक्ष की भूमिका तो नहीं बोलूंगा, पर सुजानपुर की कोई भूमिका रही है, ऐसा आपको लगता है? देखिए, ऐसा है कि हमने चुनाव सुजानपुर से लड़ा और सुजानपुर की जनता ने आशीर्वाद, हमने सुजानपुर चुनाव क्षेत्र से चुनाव किसी को हराने के लिए नहीं लड़ा, हमने वहां से चुनाव जीतने के लिए लड़ा, जनता की सेवा करने के लिए लड़ा। हमारा कोई टारगेट, हमारा कोई मकसद, हमारा कोई इसमें ऐसा नहीं, लक्ष्य ऐसा नहीं था कि हमने किसी को हरा के आगे बढ़ना है। हम अपने काम से, अपने कर्म से आगे बढ़ रहे हैं, और सुजानपुर की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, और आज सुजानपुर की जनता राजेंद्र राणा को ना जिताती तो शायद हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में सिनेरियो कुछ और होता है। ये आपकी बात सही है, परंतु जहां तक जयराम जी का प्रश्न है, वो चुनाव जीते हैं और उनकी अपनी पार्टी का निजी मामला है, उन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया है और वो अपना प्रदेश की जनता की सेवा करें, अच्छा काम करें ताकि उनको लोग याद करें। परंतु मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये जो सरकार है, ये सरकार कोई भी निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, निर्णय ले ही नहीं पा रही। अगर गलती से कोई निर्णय लेते भी हैं तो नाश्ते पे कोई और फैसला लेते हैं, लंच पे कुछ बदलाव आ जाता है और रात के डिनर तक कुछ और हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई पॉलिटिकल विल पावर नहीं है। प्रदेश के लोग इसलिए त्रस्त हैं कि सरकार पर भरोसा उठ गया है कि भाई ये फैसला ले लेंगे, नोटिफिकेशन हो जाएगी, कब विड्रॉ हो जाए इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। इसलिए सरकार इसलिए भी फेल है, और दूसरा सरकार का फेल होने का कारण है कि जब प्रदेश की जनता से मैंने वोट लिए तो मैंने बड़े बड़े दावे किए, बड़े बड़े वायदे किए कि भाई आप हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, हमारा डबल इंजन चलेगा, और डबल इंजन से तो स्पीड डबल होनी चाहिए, यहाँ तो स्पीड है ही नहीं, इंजन इनके फ्रीज हो गए हैं, इंजन इनके स्टार्ट नहीं हो रहे, इनका केंद्र वाला इंजन है। मुझे लगता था कि केंद्र वाला इंजन इनकी थोड़ी सी सपोर्ट कर रहे क्योंकि हिमाचल वाला फ्रीज है। अब इनके पास ना तो पैसा है, ना इनके पास कोई फंड्स आ रहे हैं, इन्होंने एमएलए के फंड्स तक फ्रीज कर दिए, छोटे से छोटे डेवलपमेंट के काम इन्होंने रोक दिए, लोगों की सैलरियां काटना शुरू कर दी जो सैलरियां बड़ी थी उनकी भी। तो मुझे लग रहा है कि सरकार पूरी तरह विफल फेल हो चुकी है, और सरकार का नाम की कोई हिमाचल प्रदेश में चीज नहीं है, और ये जो अफसरशाही है ये पूरी तरह सरकार पर हावी है, और राजनीतिक इच्छा शक्ति जो है वो सरकार में कहीं भी दूर पा तक नहीं थे। राणा जी, खैर, मेरे सवाल को आप बड़ी साफ गोई से राजनीति की ओर ले गए, पर फिर भी मैं आपसे, मेरा
कई मौकों पर यह देखा जाता है कि आपकी भूमिका राजनीतिक विपक्ष में रहते हुए आपकी भूमिका जो है वो कई मौकों पर ये देखा गया है कि वो पार्टी से बड़ी हुई है आपकी भूमिका, तो उसको हम कैसे समझे? नहीं देखिए ऐसा है कि मुझे हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूं, मुझे अपना दायित्व निभाना है, मुझे अपना धर्म निभाना है, मुझे अपना कर्म करना है, और इन तीनों कामों को लेकर मैं हमेशा सजग रहा हूं और मैं कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हूं। कांग्रेस पार्टी ने मेरे ऊपर आशीर्वाद रखा है और कांग्रेस पार्टी किस तरीके से मजबूत हो सकती है और हिमाचल प्रदेश के लोगों के हित कैसे सुरक्षित रह सकते हैं ये मेरा हमेशा प्राथमिकता रही है। कई ऐसे प्रदेश में मुद्दे हमने उठाए जो कि प्रदेश के नौजवानों के साथ, प्रदेश की जनता के साथ कहीं ना कहीं जो है वो उनके साथ धोखा किया जा रहा था, उनके साथ जो है वो चीटिंग की जा रही थी, तो उस चीज को जो है हम लोगों ने प्रमुखता से उठाया है और हम भविष्य में भी हिमाचल प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा करते रहेंगे और उनके मुद्दों को उठाते रहेंगे। एक मुद्दा मेरे जहन में आया है कि NID को आपने बहुत आक्रामक और प्रखरता से जिस उस मुद्दे को आपने उठाया है जिसकी जांच भी शुरू हो गई है, क्या आप संतुष्ट हैं? मैं पहले दिन से ही इस मुद्दे को उठा रहा हूं और आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं कहना चाहता हूं कि NIT 1984 में ये इंस्टीट्यूशन शुरू हुआ था और कांग्रेस सरकार ने इसे शुरू किया था। पहले REC था, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, और अब जो है NIT का इसको दर्जा मिला है। NIT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन है, यहां से बच्चे पढ़कर अच्छी अच्छी पोजिशन पर जाकर पहुंचे हैं, और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 2 साल से जब से ये नए डायरेक्टर आए हैं तब से इस NIT का रैंकिंग लगातार जो गिरती जा रही है। कभी ये इंस्टीट्यूशन 13वें पायदान पे था, अब 98 पायदान पे जाकर पहुंच गया। ऐसी ऐसी फैकल्टी की 2 साल में भर्ती हुई है जो डिजर्व नहीं करते थे, और ऐसे ऐसे लोगों को भर्ती किया गया जिससे फैकल्टी कम रैंकिंग गिरी है और भर्तियों में लगातार पूरी तरह धांधली हुई है। जो लोग डिजर्व नहीं करते उनको रखा गया है, और जो लोग 100 के करीब जो लोग रखे गए हैं उन लोगों ने बैंक से उसी समय लोन लिया है, वो लोन लिया है तो पैसा किसको गया है? और बड़े अफसोस के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि कई बार इसको मैंने मुद्दे को उठाया, मैंने प्रधानमंत्री, HRD मिनिस्टर, NIT के चेयरमैन को लगातार पत्र लिखे, और जब ये मुद्दा हमने उठाया कि क्या वजह है, क्या कारण है, क्या ऐसी मजबूरी है कि हमारे लोकल सांसद जो है उनके गृह क्षेत्र में ऐसी जो है धांधलियां चल रही है, लोग जो है उनपे अत्याचार किए जा रहे हैं, उनको बेइज्जत किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश के लोगों को, तो NIT के मुद्दे को लेकर अनुराग ठाकुर जो कि हमारे सांसद हैं, एक स्टेटमेंट उनकी दिल्ली से आई कि मैं HRD मिनिस्टर से मिला। इसके अलावा उनकी चुप्पी कहीं और इसकी इशारा कर रही है कि क्या मिली भक्त जो है, क्या उनकी सांठ गांठ है कि वो NIT के डायरेक्टर जो है उसके विरोध में नहीं उतरे। हिमाचल यहाँ NIT के बहुत सारे लोग जो यहाँ पर कार्यरत हैं वो कई बार जो है वो अनुराग ठाकुर से मिले, परंतु क्या वजह रही, क्या कारण रहे, उन्होंने उस मुद्दे को नहीं उठाया। एक सिंगल स्टेटमेंट आई है जिससे बहुत इसको कहते हैं कि इस मुद्दे को लेकर हम लोग मुखर हुए हैं, अदरवाइज NIT में लगातार धांधलियां हुई है। और अभी जो इंक्वायरी शुरू की गई है कि दिल्ली से एक टीम आई है, मैंने बार बार इस मुद्दे को उठाया है कि NIT का जो ये घोटाला है, चाहे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हैं, चाहे रिक्रूटमेंट में जो धांधली हुई है, इसका सारी की सारी जांच जो है वो CBI से कराई जाए, परंतु सरकार ने इसकी अपनी टीम बना के इसकी इंक्वायरी की जा रही है। मैं साफ तौर पर कह रहा हूं कि अगर सरकार ने इस मामले को लीपापोती करने की कोशिश की तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम आंदोलन करेंगे और हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को उनका हक और उनको न्याय दिला के। राणा जी, कई आरोप ये है कि कई ध्रुवों में बिखरी पड़ी कांग्रेस का भविष्य को आप कैसे देखते हैं? आप रोज लगातार कई मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन आरोप ये है कि कांग्रेस जो है वो अपने अपने स्तर पर हर जगह बिखर गई, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? ये तो देखने वाले का नजरिया है, हमारा नजरिया तो यह है कि कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में एकजुट है और 2022 की तैयारी में जुटी है, और 100% मैं श्योर हूं, मैं बिल्कुल ये चीज दावे के साथ कह रहा हूं कि ये सरकार जा रही है और 2022 में कांग्रेस की सरकार आने वाली है, क्योंकि सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। कांग्रेस एकजुट होकर 2022 का चुनाव लड़ेगी, एकजुट होकर लड़ेगी, कोई विक्री
मैं बिल्कुल ये चीज दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये सरकार जा रही है और 2022 में कांग्रेस की सरकार आने वाली है, क्योंकि सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। कांग्रेस एकजुट होकर 2022 का चुनाव लड़ेगी, एकजुट होकर लड़ेगी। कोई विक्री नहीं है, कोई इसमें कोई गुटबाजी नहीं है। हाँ, बड़ा समुद्र में पानी की लहरें आती हैं, लहरें आती हैं तो शांत भी हो जाती हैं। और जहां बड़े घर होते हैं, बड़े परिवार होते हैं, जहां छोटे मोटे बर्तन जो है वो हर जगह खड़कते हैं, कोई ये कांग्रेस में नहीं है। ये सब बड़ी बड़ी पार्टियों में ऐसे छोटी मोटी चीजें चलती हैं। कमर होनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए। प्रतिस्पर्धा का जमाना है, इसमें आगे बढ़ने के लिए हर आदमी कोशिश करता है। खैर, कमोबेश बीजेपी में ऐसी स्थिति नहीं है, पर मेरा प्रश्न एक यहाँ दोबारे से मैं अपना ये सवाल रखना चाहूंगा आपके पास कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो फुल तैयारी के साथ जो है 2022 में आई है। मैं आज ही का मसला लेता हूँ, महंगाई पर कहीं आपका यहाँ प्रदर्शन था तो प्रदेश की राजनीति का जो लोग दम भरते हैं, अधिकांश आपके जो इसी जिला के बड़े लीडर हैं वो दिखते नहीं है, दिखे नहीं है, किसी धरना प्रदर्शन में नहीं दिखे हैं। तो इसको मैं कांग्रेस की एकजुटता कैसे मानूं? हो सकता है बड़े नेता है कहीं व्यस्त भी हो सकते हैं, छोटे प्रोग्राम में सही कई बार टाइम नहीं लगता है, बड़े प्रोग्राम में जाते होंगे तो कहीं व्यस्त होंगे तो नहीं आए होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस प्रदर्शन नहीं कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि हिमाचल प्रदेश में किराए बढ़ रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी सोई है। हिमाचल प्रदेश के हितों की पैरवी भी कर रही है और हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसकी आवाज भी कांग्रेस पार्टी लगातार उठा रही है। और जहां तक आपने प्रश्न किया कि भारतीय जनता पार्टी में कोई बिक्री नहीं दिख रही है, तो इसके मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूँ। पत्थर बम किसने चलाया, किसने को ये कांगड़ा में जो असंतुष्टों की बैठकें वो किसने करी, ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये मुख्यमंत्री का गुट हो गया, ये हिंदीपुर वालों का गुट हो गया, कांगड़े वालों का गुट हो गया, ये सरमौर वालों का गुट हो गया, कई तरह में कई ध्रुवों में भारतीय जनता पार्टी बटी है। हमें उनका घर का मामला है, हमें कोई लेना देना नहीं है। हम इस मामले को स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि वो गुटों में बटे चाहे वो कठे हो, हमें कोई लेना देना नहीं, हम एकजुट हैं और आने वाले समय में हम हिमाचल प्रदेश के हितों की पैरवी करते हुए हिमाचल प्रदेश के लोगों को न्याय दिलाने के लिए, हिमाचल को आगे विकास की राह पर आगे बढ़ाने के लिए हम सब कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर आने वाले समय में चुनाव लड़े। राणा जी बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यालय आए। ये हैं राजेंद्र राणा जो रोज अपने धारदार बयानों से सरकार को घेरे रहते हैं। मैं फिर आपसे मुखातिब होऊंगा एक नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।